एक्सट्रीम स्नोफॉल्स में भी यूज़ किया गया है, इसको बड़े हिली टेरेन्स में भी यूज़ किया गया है, इसको पानी में भी इसकी क्षमता है काफ़ी हद तक कि ये पानी को कैसे पार करती है। तो इसकी बहुत सारी कहानियाँ, इसीलिए इसकी टैगलाइन है विच इज़ नेवर गिव अप। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का एनवीटी ऑटो पर स्वागत करता हूं और मेरे साथ इस समय मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशांक श्रीवास्तव जी हैं। सर नमस्ते। नमस्कार सर, काफी खुश नजर आ रहे हैं आप। जी मौका खुशी का है तो खुश जाहिर सी बात है। कुछ ज्यादा ही खुशी है सर, 40 साल बाद ये खुशी इंडिया को दे रहे हैं आप, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये एक्चुअली 50 साल पहले ये शुरुआत हुई थी। अच्छा, तो हो सकता है सर मेरा 1970 में। अच्छा, और नहीं, खुशी जरूर है इस वजह से कि काफी इंतजार था इस तरह की गाड़ी का हमारे मुल्क में, और आज हम जो टेस्ट ड्राइव का इवेंट कर रहे हैं उसका फिर जो सेल का जो शुरुआत है उसका आगाज जो है हम पहले हफ्ते जून में करेंगे। प्रोडक्शन शुरू हो चुका है? जी, प्रोडक्शन इसका शुरू हो चुका है सर। तो कितने यूनिट रहेगी लगभग हर महीने, कितना लोगों को मिल पाएगी, क्योंकि सर लोग टूट पड़े हैं इस पर? जी देखिए, एक बार जब हम अपनी कीमतें ऐलान करते हैं उसके बाद में जब हम देखेंगे बुकिंग का क्या ट्रेंड है, उस रुझान के मुताबिक ही हम अपना प्रोडक्शन प्लान बनाएंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि इस समय हमारे पास करीब 30,000 बुकिंग जिमनी की आ चुकी हैं। 30,000 बुकिंग सर, तो मतलब कुछ एक्सपेक्टेड कीमत, सबको बड़ा मज़ा आता है सुनने में। मुझे पता है सर आपने कीमत तो बाद में अनाउंस करना है, बट फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि जनता कहाँ पर उम्मीद लगाए बैठी रहे। देखिए, उम्मीदों का तो मुझे पता नहीं कि क्या उम्मीद है जनता की इसके कीमतों को लेके, लेकिन इस हवाले से मैं एक बात ज़रूर आपको यहाँ पर वाजे करूँ कि ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, इसमें 4-व्हील ड्राइव का ही ऑप्शन है और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है ऑफ रोडिंग की इसमें, इसलिए मेरे नज़र में जो कीमतें आएंगी वो इस बात को भी रिफ्लेक्ट करेंगी। किसे टारगेट कर रहे हैं सर, क्योंकि पूरी जनता यहाँ पर टारगेट देखते नहीं, जिसको पसंद आ गई उसका उसकी गाड़ी हो जाती है, बट फिर भी आप क्या टारगेट कर रहे हैं? जी देखिए, ये एक कॉम्पैक्ट SUV है। कॉम्पैक्ट SUV आज की तारीख में हिंदुस्तान की पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सेगमेंट है, ये करीब 25% है। अगर गुज़िश्ता साल 22-23 की बात करें तो उसमें करीब 8,70,000 गाड़ियाँ कॉम्पैक्ट SUV देखी हैं। अब जब कोई सेगमेंट बड़ा होता है तो हमने ये देखा है, अपने तजुर्बे से मैं बात कर रहा हूँ, कि उसमें एक सब सेगमेंट्स निकल के आते हैं। जैसे एक सेगमेंट जो निकल के आया है वो है अर्बन यूज़र, जो कि टेक्नोलॉजी सेवी है, फीचर्स चाहता है और कुछ नया चाहता है गाड़ी में, बियॉन्ड दी जो नॉर्मल बॉक्सी SUV, ट्रेडिशनल जो SUV जो शेप है, वो फ्रॉन्क्स का कस्टमर है जिसके लिए हमने फ्रॉन्क्स लॉन्च। और एक सेगमेंट ऐसा भी निकल के आया है जो कि लाइफस्टाइल SUV, जो ऑफ रोडिंग करता है, जो इस तरह के शौक हैं जिसके, जो दूर दराज इलाकों में जाता है जहाँ पे उबड़ खाबड़ सड़कें भी हों या कहीं गहरी बर्फ़ भी हो, और इस तरह के जो कस्टमर्स हैं, लाइफस्टाइल SUV जिसको बोलते हैं, उनके लिए एक बहुत ही एक अच्छी गाड़ी है। और मेरे को जैसे मैं, हम लोग जो अपनी तहकीक करते हैं बाज़ार में, उसमें एक कस्टमर हमें और एमर्ज करता हुआ दिख रहा है, वो है एक शहरी कस्टमर जो एक प्रैक्टिकल और एक अपने जो कहते हैं अपने स्टेटस को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक SUV चाहता है, जो जैसे इसकी जो टर्निंग रेडियस है इट्स ए वेरी लो टर्निंग रेडियस, गाड़ी मैन्यूवरेबल है, अच्छा पावर टू वेट रेशो है, ड्राइविंग स्टांस अच्छा है, तो ये एक वो भी एक कंज्यूमर टाइप है जो कि इस गाड़ी को पसंद करेगा। यानी एक लाइफस्टाइल SUV भी है और एक वो कंज्यूमर भी है हु वांट्स टू ऐड स्टाइल टू देयर लाइफ्स। सर, इस फाइनेंशियल ईयर में नंबर 1 SUV ये जिमनी बना देगी? देखिए, जहाँ तक हमारे हदफ का सवाल है कि हम चाहते हैं कि हम SUV सेगमेंट में भी अव्वल तरीन हों, और इस समय हमारी बाज़ार की हिस्सेदारी गुज़िश्ता माली साल 22-23 में हमारी बाज़ार की हिस्सेदारी 12.1% थी, और हमें ऐसा महसूस होता है कि अगर हम ये 25% तक अगर ये मार्केट की हिस्सेदारी कर सकें तो हम यकीनन अव्वल होंगे इस सेगमेंट में भी, और हमारे लिए अब पूरा असला मौजूद है
हमारे पास ब्रेजा है, हमारे पास विटारा है जो हमने सितंबर में लॉन्च करी थी, हमारे पास फ्रॉन्क्स है और हमारे पास अब ये जिमनी भी है। तो मुझे यकीन है कि अगर ये चारों व्हीकल्स इनका अगर प्रोडक्शन हमारा सही रहता है तो यकीनन हम जो हैं नंबर वन पोजीशन पे सेगमेंट में भी आ सकते हैं। जिप्सी एक इमोशन, आर्मी, जय हिंद, सब कुछ नज़र आता है, आपको कितना नज़र आ रही है जिप्सी इस जिमनी में? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि जिप्सी एक आइकॉनिक गाड़ी थी और हमें बड़ा फ़ख्र है उस गाड़ी पे, क्योंकि हमारी जो जो अफराज है, जो हमारे मुल्क की, वो उसको इस्तेमाल करती है, जंग में भी इस्तेमाल होती है और बाकी मोबिलिटी के लिए तो होती ही है। तो हमारे लिए एक बहुत ही एक फ़ख्र का एक वो है वो ब्रांड, और मुझे लगता है कि ये जिमनी भी उसकी कैपेबिलिटी जो है बहुत ज़बरदस्त है सभी तरह के इलाकों के लिए। और मुझे तो बहुत खुशी होगी कि अगर हमारी जो आर्मी है वो इस गाड़ी को भी इस्तेमाल। सर ये निकल पड़ती है, आपका टैगलाइन देख रहा था, निकल पड़ती है तो मुड़कर नहीं, मतलब मुड़ना पसंद नहीं है इसे। आपको कहाँ से वो चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें बताइए इसके बारे में जहाँ से पता लगे कि जो इसकी योग्यता है, इसकी क्षमता है, ये कभी से मुड़ने नहीं देगी। देखिए आप जब कल इसकी जो आप ड्राइव करेंगे उसमें एक अलग अलग जो मुख्तलिफ मुश्किलात जो रास्ते हैं उसमें आप देखेंगे किस तरह चलती है। इसकी एक हिस्ट्री है, इसकी तारीख है, और जैसे मैंने बताया 50 साल में ये 199 मुल्कों में 30 लाख से ज़्यादा गाड़ी बिक चुकी है। ऐसी ऐसी हैरत अंगेज़ जो अफसाने हैं, कहानियां हैं इसके यूसेज की, वो आप जान के ताज्जुब करेंगे कि इसको एक्सट्रीम स्नोफॉल्स में भी यूज़ किया गया है, इसको बड़े हिली टेरेन्स में भी यूज़ किया गया है, इसको पानी में भी इसकी क्षमता है काफ़ी हद तक कि ये पानी को कैसे पार करती है। तो इसकी बहुत सारी कहानियाँ, इसीलिए इसको कहा गया है कि जो इसकी टैगलाइन है विच इज़ नेवर गिव अप, नेवर टर्न बैक। तो ये ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो आपको मजबूर कर सकता है, अगर आपके पास जिमनी है, कि आप उस रास्ते को छोड़ के वापस मुड़ें। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिस पे ये आगे ना जाए। जो इसका इंतज़ार कर रहे हैं, जो बुकिंग करवाने अभी बैठे हैं, तो आप उन्हें क्या एश्योरिटी देना चाहेंगे कि उनको कब तक मिल जाएगी? 30,000 तो लोग ऑलरेडी लाइन में लग गए हैं, तो उन्हें क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि सर एक इमोशन है ना, आप जुड़ रहा है, कनेक्ट हो रहा है। जी देखिए, ये एक मैं समझता हूँ कि ये एक सेमीकंडक्टर की जो कंपोनेंट्स की गैर मौजूदगी में एक ये एक ऐसा एक पस मंज़र बना है कि कई मॉडल्स में हमारे हमने देखा है कि वेटिंग पीरियड्स बढ़ गए हैं। तो आपके जो नाज़रीन हैं उनको मैं इस बात पे माजरत ज़रूर करूँगा कि ये एक बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ा था इंडस्ट्री को, लेकिन अब बेहतरी की तरफ जा रहा है। और मुझे लगता है कि रवां माली साल में यानी 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में वो दूसरे क्वार्टर से स्थिति बेहतर हो जाएगी, और हमें उम्मीद है कि जैसे ही बुकिंग होती है हम कोशिश करके जल्द से जल्द ये गाड़ी अपने सारिफीन को पहुंचा सकें। कितने रंग दे रहे हैं सर, क्योंकि ये मुल्क जो है रंगों का है, मोहब्बत का है। इसमें 7 रंग हैं। हाँ? और 5 रंग तो मोनोटोन हैं और 2 रंग ऐसे हैं जैसे ये डुअल टोन है, जैसे आप ये देख रहे हैं गाड़ी, जिसमें एक रेड और ब्लैक टॉप, और जैसे ये काइनेटिक ग्रीन और ब्लैक टॉप, तो 7 रंग। वेरिएंट भी समझा दीजिए, क्योंकि आप बताएंगे तो लोग ज़्यादा मानेंगे ना। देखिए वेरिएंट में ऐसा है कि 2 तरह के हैं, एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, एक मोटे तौर पर बता रहा हूँ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और एक मैनुअल ट्रांसमिशन। और मैनुअल ट्रांसमिशन में 2 वेरिएंट हैं और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 2 हैं, एक लोअर और एक हायर। तो बहुत सिंपल सा रखा हुआ है, और मेरे नज़र में ये भी कंज्यूमर्स को ये जो रंग हैं और ये जो अलग वेरिएंट्स हैं, सबको कोई ना कोई इसमें पसंद आएगा, और मुझे पूरा यकीन है कि इसको ये बहुत ही कामयाब गाड़ी होगी। थैंक यू सर। तो सर की उर्दू और इसके रंग, ढेर सारी मोहब्बत की दुनिया जो भारत में बसी है, मुझे लगता है कि जो हमारा इंटरव्यू था इसमें आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर भी कुछ और पूछना चाहते हैं, डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं सर से, तो मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, जुड़ जाइए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi, या फिर NBT ऑटो पर इंस्टाग्राम पर आइए, या फिर सर के सर का भी इंस्टा हैंडल, उस पर जाके आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सर।